कोरोना महामारी के कारण अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने खर्चा उठाने का बीड़ा उठाया है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी राज्यों में कांग्रेस कमेटी को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने राज्य में फंसे हुए मजदूरों की सूची बनाकर उनके घर भेजने का खर्च उठाएं, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने हिमाचल में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कमेटी को निर्देश दिए गए हैं कि हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्रों में जहां मजदूर फंसे हैं उनकी सूची बनाकर उन्हें घर भेजने का इंतजाम किया जाए। 7 सदस्यीय कमेटी में लखविंदर राणा, अजय महाराज, राम कुमार, हरदीप सिंह बाबा, करनेश जंग, रणजीत सिंह राणा और कवर अजय बहादुर शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सभी कांग्रेस की प्रदेश इकाइयों को निर्देश दिया कि जो मजदूर अपने घर जाना चाहें उनको जो है पार्टी रेल भाड़ा दे। हमने यहाँ निर्णय लिया है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कि हमने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें हमारे विधायक लखविंदर राणा जी, जिला कांगड़ा के अध्यक्ष अजय महाजन जी, पूर्व हमारे विधायक राम कुमार जी, इंटक के अध्यक्ष हरदीप बाबा जी, पूर्व विधायक करनेश जंग जी तथा ऊना जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रंजीत सिंह राणा जी और परमाणु ब्लॉक कांग्रेस जो हमारी कसौली है उसके अध्यक्ष ठाकुर सिंह शर्मा जी, इनकी हमने कमेटी बनाई है और कंवर अजय बहादुर जी जो हमारे सिरमौर के अध्यक्ष हैं, ये हमने कमेटी बनाई है। ये कमेटी जो है जो मजदूर फंसे हैं प्रदेश में, खासकर जो हमारी औद्योगिक क्षेत्र हैं बद्दी, नालागढ़, कालाम, अगर ये घर जाना चाहें तो इनकी वो सूची तैयार करेंगे और कांग्रेस पार्टी जो है इनका जो खर्चा है जाने का, रेलवे का जो खर्चा, वो वहन करेगी। हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।